हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V29e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कभी भी वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो वो कमी जो दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ठीक है, वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके जिस ऐप के अंदर आपको वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, उस ऐप को रीसेट करना है। चाहे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मतलब जिस ऐप में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है उस ऐप को रीसेट करना है। ठीक है, रीसेट करने के लिए आपको उस ऐप को उंगली से दबा के रखना है, एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज में आपको जो है ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल के अंदर आई बटन बना होगा उसे टैप करना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको जो है ना ये वाला पेज ओपन मिलेगा, इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके का बटन या डिलीट का बटन दिखेगा, इसे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है अपने उस ऐप को रीसेट कर देना है जिस ऐप में आपको वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस ऐप में आपकी वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उस ऐप को आपको है ना अपने प्ले स्टोर में जाकर अपडेट भी कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे फोन में जो है वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। तो ये जो तीनों सेटिंग है ना आपकी, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में पहले से इंक्लूडिंग रहती है। ठीक है, आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो आपको अगले पेज में यहां पर अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में इस तरीके से नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को अगर रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक कन्फर्मेशन ये करनी है कि आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट का रिचार्ज होता है ना, वो भी आपको चेक करना है, कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम आती है। अब आपको एक कन्फर्मेशन और ये भी करने की, कभी भी आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या रिसीव करते हैं, तो आपका मोबाइल फोन का इंटरनेट जो है वो चालू होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिया, सारे प्रोसेस आप यूज करिए, तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।